लिखने को कुछ था ही नहीं। संस्मरण लिखता तो बाद में पढ़ता तो मुझे अपने से चिढ़ होने लग जाती, यार तुमने क्या लिखा है। मुझे लगता है लिखना सबसे कठिन काम है संसार। एक ही बात कहता हूँ, भारत में गलती करते थे तुम बदनाम होते थे, यहाँ गलती करोगे भारत बदनाम होगा। जिंदगी में मैंने कभी भी 3 सवाल से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। दूसरे मैंने कोई ज्यादा किताबें भी नहीं लिखी, लिखने को कुछ था ही नहीं। संस्मरण लिखता तो बाद में पढ़ता तो मुझे अपने से चिढ़ होने लग जाती, यार तुमने क्या लिखा है। मैं सदा सबसे बड़ी बात ये कि मैंने राही जी, गौर साहब, अलका जी, जिंदगी में मैंने कभी भी 3 सवाल से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। इसलिए नहीं दिया, पॉलिसी में हो जाएंगे क्या, बेकार काहे को लिखना पड़ो। और मैंने जितने भी व्यंग लिखे हैं कभी अपने हाथ से नहीं लिखे, कभी वेद प्रकाश को बुला लेता था, कभी किसी को, मैं बोलता था और वो लिखते थे। और उसके बाद आदित्य जी उसके पहले सुनने वाले होते थे, फोन करता था उन्हें सुनाता। मुझे लगता है लिखना सबसे कठिन काम है संसार का। मैंने यहाँ पर पुस्तक मेले में अपनी किताब लगाई और इसलिए नहीं बैठा, यार इतने ऑटोग्राफ देने पड़ेंगे, इतना कौन लिखेगा यार। वाह, मेरे कवि सम्मेलनों के स्वीकृति पत्र में किसी को सैकड़ों लिखे होंगे लेकिन मेरी लिखाई के नहीं है, किसी और की लिखाई। तो इतना आलसी जीव हूँ। और मेरा मानना है कि एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आंसू पर कविता लिखूं कि आंसू पहुंचने का काम करूं, तो प्रायोरिटी आंसू पहुंचने की आ जाती है, लेखन की पीछे रह जाती है। कोरोना काल में सब लोग बैठे रहे घरों में, मजबूरी थी। मैं कोरोना काल में अपने हॉस्पिटल के लिए रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ऑक्सीजन के लिए दिल्ली से 60-70 किलोमीटर भटकता रहा। अब इसका संस्मरण लिखो तो लगेगा लोग अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कीर्ति ने जो संस्मरण लिखे हैं, जो बचपन के संस्मरण हैं, ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं कई संस्मरण याद करता हूं तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बेहतर हो सकते थे, पर उम्र के ढलाव के साथ साथ वो याददाश्त भी इतनी कम हो गई कि उसको नहीं लिख पाया। ये एक बड़ी बात है जो कीर्ति जी आप कर रही है। एक संस्मरण मेरा है, हांगकांग के एक होटल में 5-6 कवि रुके, पान परा खाते थे और उसको वॉश बेसिन में थूक देते थे। 3 बार होटल के मैनेजर का फोन आया, डोंट स्पाइल द टॉयलेट सीट्स वॉश बेसिन, नाम नहीं लूंगा कवि के, अभी है नहीं वो दोनों। और हुआ ये, जब होटल छोड़ा तो आयोजक को 22,000 रुपए की पेनल्टी जो चादरों को हमने हाथ पहुंचे थे उसकी देनी पड़ी। उन्होंने आसानी से ले लिया और उस मैनेजर ने एक बात कही, इन फ्यूचर नो इंडियन दिस होटल। मुझे लगा कि हमने चादर गंदी नहीं की, उस मुल्क हम अपने मुल्क को गंदा करके वहां पर। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हथौड़ी की तरह मेरे दिमाग में आज भी घूमता है। तो मैं वहां पर जब भी जाता हूं कहीं एक ही बात कहता हूं, भारत में गलती करते थे तुम बदनाम होते थे, यहां गलती करोगे भारत बदनाम होगा। तो मैं अपने को बदनाम करने का हक बनता है लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक नहीं बनता। वैसे संस्मरण कई मैं लिख सकता हूं, अब याद नहीं आते तो क्या करूं। लेकिन अगर किसी ने शुरुआत की है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हमें बचपन में क्या क्या घटनाएं घटी, हो सकता है उससे कोई आदमी सीख ले ले, उससे कोई आदमी सबक ले ले। ये अपनी ये नहीं, आने वाली पीढ़ियों के एक बहुत बड़ा अमूल्य निधि होगी कीर्ति की।